श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 12 के पहले श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। देव संत समागमेन भवंतिका लावां विज्ञाय मह हृदय उत्कंठां करोत पूर्णयत। विवेकवान निर्बंध ने गुरुदेव भगवान से कहा कि हे देव संतों का समागम जहाँ होता है उसके सुनने से कौन से लाभ होते हैं, यह मेरी जानने के लिए हृदय में उत्कंठा हुई है, उसे सुनाकर आप पूर्ण करें। गुरुदेव भगवान से एक याचक साधक बन के आया है और बोल रहा है, हे प्रभु, हे देवों में देव, हे देव संतों में देव, आप हमें ऐसा बोध कराएं जिससे कि संतों में समागम जहां होता है उसके सुनने से कौन से लाभ होते हैं। गुरुदेव भगवान समझाते हुए कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, संत सर्वदा परोपकाराय धारयन्ति शरीरम यंत्र संतः निवसन्ति तंत्रेव तीर्थ स्थितम। श्री गुरु महाराज जी निर्बंध से कहते हैं कि संत महापुरुष अपना शरीर परोपकार के लिए ही धारण करते हैं और यह संत महात्मा जन जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ हमेशा के लिए तीर्थ स्थान बन जाता है। उनका उपदेश सुनने को भक्त जन आया करते हैं। संत समागम जड़ जंगमो तीर्थम भवतम सत्ता दर्शनात चिंतम शांतः चत्वारा फलम। तीसरे श्लोक में संतों में श्रोमण श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संतों का समागम स्थाई तथा चलता फिरता हुआ जंगम दोनों प्रकार का तीर्थ हो जाता है। संतों का दर्शन करने से चित्त में शांत भाव आता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चार प्रकार के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। संतेव श्रोमणे संतः पारब्रह्म सद्गुरम तस्मिनम दर्शनेन सर्वाणि फलानि जातम। चौथे श्लोक में गुरुदेव भगवान ने श्री सद्गुरुदेव भगवान ने प्रसन्नचित होकर कहा कि संतों में ही श्रोमण संत पारब्रह्म सद्गुरुदेव हैं जिनका दर्शन करने से जितने भी फल होते हैं वह फल बार बार उनका मार्गदर्शन करने से प्राप्त होने लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान पारब्रह्म बता रहे हैं निर्बंध को समझाते हुए। निर्बंध कहते हैं जो बंधनों से मुक्त एक साधक है, एक जिज्ञासु है, जो भक्ति के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में लिपटा हुआ है और सारे ज्ञान का बोध करने के लिए याचक बन के आया है और गुरुदेव भगवान से कहता है, नाथ, संतों के पास बार बार उनका दर्शन करना, मार्गदर्शन करने से क्या होता है। तब गुरुदेव भगवान उनको समझाते हुए बहुत सारी संशय, बहुत सारे
उसके मन में जो भी विचार है उन सब विचारों का शंका का समाधान पार ब्रह्म सद्गुरुदेव करते हैं।